गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। सिलेबस आप लोगों को जा चुका है, सो प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग। ओके, टुडे आई विल बी टीचिंग यू चैप्टर 62 ऑफ योर जीके, एंड दिस इज अबाउट फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड। इन दिस चैप्टर विल बी रीडिंग अबाउट द फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया में जो भी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं उनके बारे में तो हम जानते ही हैं, लाइक होली, दशहरा, दिवाली एंड ऑल। टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट फ्यू ऑफ द फेस्टिवल्स विच इज सेलिब्रेटेड आउट ऑफ आर कंट्री। हमारे कंट्री के बाहर जो दूसरे देशों में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं ना, उनके बारे में। ठीक है, तो द फर्स्ट फेस्टिवल इज योर रियो कार्निवल। ये जो फेस्टिवल है ब्राजील में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पे लोग मार्च पास्ट करते हैं, परेड करते हैं विथ लॉट्स ऑफ कलरफुल यूनिफॉर्म्स, डांस एंड म्यूजिक्स। तो यहाँ पे जो एक डांस फॉर्म परफॉर्म की जाती है इस फेस्टिवल में, दैट इज योर सांबा। ठीक है, तो सांबा ये एक डांस फॉर्म का नाम है, जिस तरह से कथकली एंड उड़ीसी, भरतनाट्यम, इस इंडिया का डांस फॉर्म्स है ना, वहाँ का ये एक डांस फॉर्म है सांबा। इनको लोग परफॉर्म करते हैं एंड जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसके लिए उनको वहाँ पे प्राइजेस मिलते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज योर हैसिन नैन, HSIN हैसिन, NIEN नैन। हैसिन नैन जो है ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है चाइना का। ठीक है, इन आर कंट्री वी सेलिब्रेट न्यू ईयर इन वन डे, एक दिन में हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है। बट देयर इन चाइना, चाइनीज पीपल सेलिब्रेट इट फॉर 15 डेज। लोग इसको यहाँ पे 15 दिनों के लिए सेलिब्रेट करते हैं, और जो हर 15 दिन का जो हर एक दिन होता है, दैट बी वेरी स्पेशल, दे हैव अ स्पेशल फेस्टिविटीज दैट डे। मतलब हर दिन स्पेशल होता है, वो उस दिन पे ये लोग दूसरी दूसरी चीज़ें करते हैं। लाइक जब ये बिगिन होता है, पहला दिन होता है, दे रिमेम्बर, दे ऑनर देयर एंसेस्टर्स। जो भी जितने भी चाइनीज लोग हैं उनके घर में जिनकी भी डेथ हो गई होगी, ये उनको उनकी मेमोरीज में कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं, उनको रिमेम्बर करते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये सारा 15 दिन, दूसरे दिन जो है ये लोग सारे फूड्स, अच्छे फूड्स बनाते हैं, एंड देन दे हैव इट। ठीक है, तो दिस इज द थिंग हाउ दे स्पेंड देयर 15 डेज। नाउ ऑन द लास्ट डे, जो 15वां दिन होता है, 15th डे होता है, दे लाइट अप अ लालटेन एंड देन दे सेलिब्रेट इट एज अ न्यू ईयर। ये लोग लालटेन चलाते हैं और उसको एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज सेंट पैट्रिक डे। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड भी एक कंट्री का नाम है। यहाँ के लोग सेंट पैट्रिक डे सेलिब्रेट करते हैं सेंट पैट्रिक की मेमोरी में। सेंट पैट्रिक कौन थे? इन्होंने विद द हेल्प ऑफ थ्री लीव कवर के हेल्प से लोगों को कन्विंस किया था और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो उनको ऑनर करने के लिए उनके मेमोरी में सेंट पैट्रिक डे सेलिब्रेट हुआ किया जाता है। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज योर मेसलेंटीसा। मेसलेंटीसा इज़ अ रशियन फेस्टिवल। ये एक रशियन का फेस्टिवल है जो फेबरवरी के एंड में, मतलब फेबरवरी जब आपका एंड होने वाला होता है तब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एंड रशिया के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अभी आने वाला ना, ये फेबरवरी मंथ चल रहा है, अब फेबरवरी एंड में रशिया के लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। इस टाइम पे लोग पैनकेक्स बनाते हैं। ठीक है, और उसको फिर बटर, हनी के साथ खाते हैं। व्हाई इज दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मेसलेंटीसा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जिस तरह से हम स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए लोहरी, मकर संक्रांति बनाते हैं ना, और इस दिन पे स्पेशल फूड्स खाते हैं। लोहरी के दिन गुड़ की मिठाई खाई जाती है, गन्ने का शरबत पिया जाता है, मकर संक्रांति के दिन तिल खाया जाता है, गुड़ चूड़ा खाई जाती है ना, उसी तरह से मेसलेंटीसा को लोग सेलिब्रेट करते हैं विद ईटिंग पैनकेक्स खा के। ठीक है, तो दे सेलिब्रेट इट टू वेलकम स्प्रिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज योर संत लूसिया डे। संत लूसिया डे ये लोग इटालियन पीपल सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ यंग गर्ल लूसिया। ये जो लूसिया थी पहले क्या हुआ था, इन इटली पीपल, क्रिश्चियंस, स्पेशली क्रिश्चियंस वर हरास्ड। क्रिश्चियन को बहुत ही परेशान किया जाता था, उनको हरास किया जाता था। तो ये लोग ना इटली छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे थे, दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम इटली। सो लूसिया शी हेल्प द पीपल टू लीव इटली, टू मूव अवे फ्रॉम क्रिश्चियन पीपल, टू मूव अवे फ्रॉम इटली विद द हेल्प ऑफ द टनल्स। वो टनल्स में कैंडल जला के अपने सर के ऊपर रख के उन लोगों को वो रास्ता दिखाती थी। ठीक है, और लोग फिर वहाँ से उस टनल से निकल जाते थे। सो टू सेलिब्रेट सेंट लूसिया डे इन हर, टू ऑनर इन हर मेमोरी, इस दिन को मनाया जाता है। एंड लोग कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं? बाय सर्विंग फूड टू देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड। इटली के जो लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को और अपने दोस्तों को खाना खिला के। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज वेल्पर्गस नाइट। वेल्पर्गस नाइट दिस इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। वेल्पर्गस नाइट जर्मनी के लोग जनरली सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ये मानना है कि इस दिन
बहुत सारे इविल स्पिरिट्स, बहुत सारे विचेस जो बुरी शक्तियाँ, नेगेटिविटी जो है उस दिन अपने हाई पीक पावर पे रहती है, ठीक है। मतलब सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं और उनका जो पावर है बहुत हाई होता है इस दिन पे। तो उनके पावर को कम करने के लिए, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करने के लिए और सारे तरफ अंधेरा ना हो लाइट हो, इसलिए ये लोग बॉनफायर जला के वेल्पोगिस नाइट सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को ईव ऑफ मे भी कहा जाता है, क्यों? बिकॉज इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th अप्रैल। वल्पर्गस नाइट को हम ईव ऑफ मे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 30th मतलब अप्रैल के लास्ट में सेलिब्रेट होता है और मे आने वाला होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ईव ऑफ मे, क्योंकि अप्रैल खत्म होता है और मे आने वाला होता है। इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। मैंने ऑनलाइन क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल इफ यू विल हैव यू विल बी हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी अगेन इन योर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। थैंक यू।